बैक टू माई न्यू वीडियो। तो आप लोगों को पता ही है कि आज के वीडियो में क्या होने वाला है। थंबनेल पे क्लिक करके देख ही लिए हो ना कि एडमिशन लेने के लिए क्या किया जा सकता है, कैसे एडमिशन हम ले सकते हैं बीजू यूनिवर्सिटी में थ्रू DRCC स्टूडेंट बिहार बोर्ड का क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड होता है ना जी, वही कैसे हम ले सकते हैं, सारी चीज़ें आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, लास्ट तक देखना। एंड मैं अभी सबसे रिक्वेस्ट कर लेना चाहता हूँ कि जो भी बच्चा चाहे या जो भी स्टूडेंट आउट ऑफ बिहार से हो, मतलब बिहार के अलावा हो, उनके लिए खास वीडियो नहीं होने वाली है, थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को मिलेगी। ऐसे जो बच्चा बिहार से, उनके लिए ये वीडियो मैंने खास बनाया है क्योंकि मेरे पास जितने स्टूडेंट हैं जिसमें से 70% बिहार के स्टूडेंट हैं जो मुझे टेक्स्ट करते हैं, मुझे इंस्टा पर टेक्स्ट करते हैं, भैया रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, सारा चीज़ कैसे होगा, कैसे हम करवाएं तो हमारा लाइफ सिक्योर हो। तो बस यही है कि अगर आज आप वीडियो देखते हो तो आज के बाद आपको एडमिशन लेने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड एडमिशन हमें लेने का सही तरीका क्या होता है, हॉस्टल अलॉटमेंट क्या होता है, हमें हॉस्टल तक पहुंचाया जाता है, हमारा DRCC लोन पास कैसे होगा, सारा चीज़ इसमें मैं आप लोग क्लियर करता हूँ। तो देखो भाई, सबसे फर्स्ट थिंग हमारा क्या होता है कि एडमिशन लोन कैसे पास होता है। तो लोन पास होने के लिए आपके पास बोनाफाइड चाहिए। तो बोनाफाइड क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। देखो भाई, कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और बर्बादी की सीढ़ी और डूबने की सीढ़ी ना ये फर्स्ट सीढ़ी से स्टार्ट होता है, रजिस्ट्रेशन वो पहली सीढ़ी है। तो गाइज, अगर आप सही तरीके से रजिस्ट्रेशन करते हो ना तो आपका भाई सब आबादी का सीढ़ी चलेगा, नहीं तो बर्बादी का सीढ़ी चलेगा। तो रजिस्ट्रेशन लेने का जो सबसे पहला तरीका होता है कि डायरेक्ट हम कॉलेज के थ्रू रजिस्ट्रेशन लें। तो कॉलेज के थ्रू आप लेते हो कैसे, आप किसी भी पोर्टल पे जाते हो, पोर्टल पे जाने के बाद खुद से आप रजिस्टर कर देते हो। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि आपने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, अब आपको कुछ नहीं पता कि बोनाफाइड के लिए हमें लोन अप्रूवल के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, हमें कौन सा बोनाफाइड कब प्रोवाइड होगा, ये सारी चीज़ें आपको काउंसलर उतने भाई सब एज ए टच में नहीं बता पाते हैं। ओके, तो सेकेंड ऑप्शन होता है हमारे पास काउंसलर के थ्रू एडमिशन लेने का। तो काउंसलर के थ्रू क्या दिक्कत होता है, तो काउंसलर के थ्रू क्या दिक्कत होता है मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। काउंसलर के थ्रू होता है कि बहुत सारा काउंसलर ऐसा होता है कॉलेज का ना हो कि वो फेक काउंसलर होता है, तो जिसका हमें अभी पता नहीं चलता है काउंसलर फेक है रियल है, वो आपसे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 2000 चार्ज लेगा, वो बोलेगा मैं रजिस्ट्रेशन करवाया, तो सारा चीज़ मैं देख लेता हूँ। पर भाई क्यों, जब एडमिशन आपको लेना है कॉलेज में आपको लेना है, तो आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू क्यों आए, कोई थर्ड पार्टी आपको क्यों हेल्प करना चाहेगा, कि जब तक उनका बेनिफिट ना हो कोई थर्ड पार्टी हेल्प नहीं करना चाहता है। तो अगर मान लो कि अगर किसी को बेनिफिट मिल रहा है तो किसी को तो लॉस मिलेगा, तो लॉस किसको मिलता है, स्टूडेंट को मिलता है। लॉस स्टूडेंट को कहाँ मिलता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो काउंसलर क्या करता है, जो भी आपको बोनाफाइड का चार्ज 5000 है उसको बोलेगा 20000 रुपया लगता है, 10000 लगता है, तुम्हारा एडमिशन में सीट बुकिंग चार्ज इतना लगेगा, ऐसे करके वो आपसे बहुत सारा पैसा ऐंठ सकता है। तो उन चीज़ों से बच के रहो, उन काउंसलर से बच के रहो, काउंसलर के थ्रू एडमिशन ही मत लो। मैं की सजेस्ट करूंगा कि काउंसलर के थ्रू एडमिशन ही मत लो। अगर आपका थर्ड ऑप्शन होता है रजिस्ट्रेशन करवाने का, कैसे हम करवाएं भाई, तो आपका कोई भाई बंधु या कोई भी आपका जो जानकार हो वो उस कॉलेज में पढ़ता हो, ओके, वो उस कॉलेज में पढ़ता है, तो क्या होता है कि उसको सबसे पहली बात तो उस कॉलेज का नॉलेज रहता है, कौन सा हॉस्टल बढ़िया है, कौन सा मेस बढ़िया है, कौन सा क्या बढ़िया है, आपको कौन सा हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसेस क्या है, सारी चीज़ें क्या है वो आपको बताएगा। तो यहाँ पे आपको एक बेनिफिट होता है। तो अगर आपका कोई भी स्टूडेंट उसमें पढ़ता है तो आप स्टूडेंट के थ्रू लेना प्रेफर करो। अगर आपके पास कोई स्टूडेंट नहीं है तो स्क्रीन पर मेरा नंबर देख रहे हो, अभी दिख रहा होगा, तो भाई वहाँ पर जाके आप मुझे कॉल कर सकते हो, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपका हेल्प कर दूंगा। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद गाइस बोनाफाइड के लिए क्या करना पड़ता है, तो बोनाफाइड के लिए कॉलेज के अकाउंट पे, ना कि मेरे अकाउंट पे, अगर मेरे थ्रू भी आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो मुझे पेमेंट नहीं करना है, आपको कॉलेज के अकाउंट पे गाइस जो भी आपका बोनाफाइड चार्ज होगा 5000 10000 जो कि अगर आप किसी स्टूडेंट के थ्रू करवाते हो या किसी के थ्रू मेरे थ्रू करवाते हो, तो उसमें क्या होगा कि जो आपका 5000 10000 रुपया जो अभी आप पे कर रहे हो वो अकाउंट वो भी आपका मैं फीस से कम हो जाता है। वही अगर आप काउंसलर के थ्रू जाते हो तो भाई, पिछले केस में आप लोगों का इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, वो 20000 रुपया उसने बोला कि 20000 कॉलेज में लगेगा, उसने 20000 दिया और कॉलेज में आके देखा तो बस 2000 या नहीं सॉरी गाइस 5000 रुपया पेड था, 15000 कहाँ गया काउंसलर की जेब में, वो तो भाई देने नहीं गया। तो इसलिए वो लोग खुद से आपको पे करना है, हर चीज़ में आपको खुद से मैं करना सिखाऊंगा, खुद से रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिससे मैं आप लोगों को बता सकूँ आपको खुद से कैसे क्या करना है। ओके, तो सेकेंड चीज़, बोनाफाइड आ जाने के बाद बोनाफाइड आपका घर पर डिलीवरी होता है, वो बोनाफाइड लेके आपको DRCC ऑफिस जाना है, और DRCC ऑफिस जाने के बाद वो आपको कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है, अगर आप ये भी चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर एक पर्सनली वीडियो बना दूंगा स्पेसिफिक, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। तो वो बोनाफाइड आपको मतलब कि लेके वहाँ जाना है, उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाना है, वो आपको एक रिसिप्ट देते हैं, वो रिसिप्ट लेके आपको फिर कॉलेज जाना है। कॉलेज जाने के बाद अगर आप किस जिसके भी थ्रू, मान लो कि काउंसलर के थ्रू करवा रहे, वो तो भाई वहाँ बैठा रहेगा, पर कोई स्टूडेंट के थ्रू करवाए रहोगे तो वो खुद आएगा, आपको हॉस्टल में ले जाएगा, वो अपने हॉस्टल के वार्डन से बात करेगा, वो आपको एक अच्छा रूम दिलवा देगा, बढ़िया मेस दिलवा देगा, मस्त चिल लाइफ रहेगा गाइस, इंजॉय करेंगे। तो बताना भाई नेक्स्ट वीडियो किस पे लेके आऊँ। तो मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।